अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सना होम किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का तुरई गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आप तुरई ले लें, मैंने उसको छील लिया है। फिर उसको आप चॉप कर लें, मोटा मोटा चॉप करना है, बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 किलो तुरई ले लें। उसके अलावा गोश्त लिया है मैंने बोनलेस के साथ, थोड़ी सूपी हड्डियाँ भी डाली हैं। आप मटन या बीफ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, मुर्गी भी ले सकते हैं, 700 ग्राम। उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चमचे, हरी मिर्चें चॉप हुई हुई 5 से 6, टमाटर चॉप हुए हुए 3 अदद, उसके अलावा स्लाइस हुई हुई प्याज 3 अदद नॉर्मल साइज़ की। और मसालों में हमें चाहिए होगी नमक 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरे का पाउडर और धनिया का पाउडर 1-1 चमचा। ठीक है, ये सारे मसाले हमें चाहिए होंगे। आपने सबसे पहले एक पतीली में या कुकर में, जो मैं कुकर में बना रही हूँ आप पतीली में बना सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 चमचे ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा। और फिर उसके अंदर हम चॉप हुई हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। हिलाएं आप उसको 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि बहुत अच्छे से खुशबू आने लगे हरी मिर्चों की। जब खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। अगर आप मुर्गी में बना रहे हैं तो फिर आपको कुकर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें गोश्त डाल दें और उसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनें। हरी मिर्चों और लहसुन अदरक के अंदर इसको भूनना है हमने। गोश्त गलाने की वजह से मैंने कुकर यूज़ किया है तो उसमें जल्दी गल जाएगा, अगर आप पतीली में बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसको आपने अच्छे से भून लेना है। ये जो हमने इसमें हड्डियाँ डाली हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, आप हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक फ्राइंग पैन में फिर 4 से 5 चमचे ऑयल लेकर उसमें स्लाइस हुई हुई प्याज डाल दूँगी साथ में ही, ताकि ये भी साथ साथ होती रहे। अब आप देख सकते हैं गोश्त अच्छा सा भुन गया है लहसुन अदरक के अंदर। अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। मैंने पहले गोश्त भून लिया है, अब मसाले डालने के बाद दोबारा से एक दफ़ा इसकी भुनाई होगी। नमक मिर्च हल्दी और धनिया, ये सब 5ों मसाले इसके अंदर एक साथ डाल देने हैं आपने। अब आप इसको मज़ीद अच्छे से भूनें। इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, इसमें भुनाई का काम ज़्यादा है। जब आप अच्छे से भून लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जब ऑयल अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, साथ साथ हम प्याज भी हिलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसलिए आपने इसको भी साथ साथ हिलाते रहना है और साथ साथ आप अपने गोश्त का काम भी कर सकते हैं। ऑयल बाद में तुरई बहुत छोड़ देती है, ये देखिए इसका प्रॉपरली ऑयल आ चुका है। अब आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल दें और उसको कवर करके आप कुक कर लें। अगर प्रेशर कुकर में करें तो सिर्फ 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में हो जाएगा, और अगर पतीली में रख रहे हैं तो तब तक के इसको ढके रहने जब तक गोश्त गल ना जाए, ठीक है। उसके बाद हमने देखनी है अपनी प्याज, इसको भी इतना फ्राई कर लेना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो इसके अंदर आप टमाटर डाल दें जो चॉप हुए हुए हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए पकाएं जब तक कि हमारा गोश्त गल जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है, पानी थोड़ा कम भी हो गया है, थोड़ी सी ग्रेवी है इसके अंदर, वो बाद में हम ड्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चॉप हुई हुई तुरई डाल देंगे और आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने प्याज टमाटर की जो ये ग्रेवी बनाई है साइड पे फ्राइंग पैन में, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्याज और टमाटर बनाकर फिर गोश्त डाल सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम सेविंग है और ये पानी बाद में बहुत छोड़ती है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसके अंदर डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा कवर कर दें 5 मिनट के लिए। अब आप देखेंगे कि तुरई ने अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएं जब तक इसका पानी खुश ना हो जाए। साथ साथ रोटी भी बन रही है, इसका चपाती बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब आप इसको भूने हल्का हल्का, बीच में चमचा चलाते रहें ताकि चिपके ना बीच में से। और उसको तब तक कि आपने हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है,
उसको फाइनली हम थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो कर लें। और दादा इट्स रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त सा तुरई गोश्त रेडी है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग सना होम किचन।